गर्ल्स एंड अ बिग हैंड फॉर देम। जोरदार ताली होनी चाहिए उनके लिए, उनके पेशेंट्स के लिए। कम ऑन, लेट्स गो। आदरणीय निर्णायक मंडली एवं यहाँ पर सभी श्रोतागण, आप सबको को मेरा नम्र सादर प्रणाम। आज हम संत कवितानियों बालिका उच्च विद्यालय की छात्राएं एक आदर संसद की झलक प्रस्तुत करने आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आजकल लोकसभा और विधानसभा में बहुत से झगड़े होते हैं। झगड़े के कारण सभा को स्थगित करना पड़ता है। अंत में हमारा प्रयास है कि हम एक आदर संसद कैसा होता है उसे आपको बताएं। श्रद्धापूर्वक निर्वाहन करूंगी। धन्यवाद।
bodies were recently exhumed. It deeply saddens our heart to accept the harsh truth that we lost 39 of our able nationals to the war. It is a moment for deep sorrow and we pray for their souls. माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं उन 39 देश के वीर नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ जो भीषण युद्ध के शिकार हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से उनके परिवार के सदस्य के लिए 10 लाख की राशि दी जा रही है। यह एक ऐसा दर्द है उनके परिवार के सदस्यों के लिए जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, फिर भी मेरी सहानुभूति उनके परिवार के लिए है। मैं उनके परिवार के सदस्य और पूरे देश की जनता को यह आग्रह करना चाहूँगा कि आतंकवाद को जड़ से हटाने में हमारा साथ दें। हमारा देश उन देशों के साथ है जो आतंकवाद के खिलाफ है, क्योंकि आतंकवाद इंसानियत के खिलाफ है। मैं विपक्षी दल का नेता आज उन 39 भारतीय नागरिक जो इराकी हमले में मारे गए उनके लिए शोक व्यक्त करने हेतु यह कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। इसके लिए पूरे विश्व को एक साथ होकर आगे बढ़ना ही होगा एवं उनके परिवार की क्षतिपूर्ति के लिए जो रकम मुहैया कराने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है वह उनके परिवार को जल्द से जल्द मिले, यह मेरी आग्रह है तथा उनके परिवार के लिए सहानुभूति हम सब की ओर से सदैव रहेगी। The house may stand in silence for a while to express our deep sorrow. Secretary General, may convey the message of condolence to the bereaved family. Ji Adhyaksh Mahodaya, main aaj ki shok sabha ki suchna unke parivaron ko de dungi. Now, Prime Minister will introduce the new member to the Youth Parliament. I introduce Srimati Ayushi Mishra as an Agriculture Minister. We are delighted to welcome you and we look forward to your contribution to the causes of the nation. धन्यवाद स्पीकर जी, मैं आपके उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। Now. Question number starts. Question number 101. Srimati Meera Chauhan. धन्यवाद स्पीकर महोदया जी। माननीय स्पीकर महोदया जी, मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अपना प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जी हाँ, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। धन्यवाद स्पीकर महोदया जी। माननीय स्पीकर महोदया जी,
धन्यवाद अध्यक्ष महोदया जी। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से श्रीमती मीरा चौहान जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने गुरुत्वपूर्ण विषय को युवा संसद में रखा। मैं उनकी जानकारी के लिए उन्हें यह बता दूं कि हमारी सरकार चुपचाप से नहीं बैठी हुई है। आतंकवाद संपूर्ण विश्व की समस्या है एवं सारा विश्व मिलकर इसे जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रहा है। मैं स्वयं एक किसान परिवार से हूँ एवं आम जनता के डर से वाकिफ हूँ। हम सरकार बनाने की राजनीति नहीं करते, हम देश बनाने की राजनीति करते हैं। 71 में पाकिस्तान से बांग्लादेश हो गया। मैंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि 71 की गलती को ना दोहराए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से हमारे युवा संसद को यह बताना चाहूँगा कि हमारी मिसाइल सिस्टम बहुत ही भरोसेमंद है एवं इसके सेफ्टी प्रोटोकॉल उच्च स्तरीय है एवं समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। हमारी आर्मी फोर्सेस वेल ट्रेंड एवं डिसिप्लिन्ड है एवं इस प्रकार के आतंकी हमले के लिए तैयार रहती है। भारत में आतंकवाद को रोकने के लिए NIA जैसी एजेंसियों का निर्माण किया गया है जो आतंकवादियों की सूचना सरकार तक पहुंचाती है एवं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद स्पीकर महोदया जी। माननीय स्पीकर महोदया जी, म तपाईको माध्यमबाट माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जीलाई केही प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जी हाँ, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। धन्यवाद स्पीकर महोदया जी। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी, यो जुन दिनदिनै मृत्यु दरको संख्या बढ्दै नै जाँदछ, चाहे त त्यो कोरोनाको महामारीसित होस्, चाहे त क्यान्सरसित, या चाहे टिबी अनि डेंगू जस्तै ठुल्ठुले रोगसित होस्, अव्यवस्थाले गर्दा जुन मासुम जनताहरूको प्राण जाँदछ त्यसको माथि तपाईँको सरकारले केही ठोस कदम उठाउनुको सोच्दैछ पनि कि हातमा हात राखेर बसिरहेको छ? तपाईँ जवाब दिनुहोस् मन्त्री जी, जवाब दिनुहोस्। कृपया आप सभी शांति बनाए रखें, अपने जगह में बैठ जाएं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप श्रीमती सरिता जी के प्रश्न का उत्तर युवा सदन में दीजिए। धन्यवाद स्पीकर महोदया जी। माननीय स्पीकर महोदया जी, मैं आपके माध्यम से श्रीमती सरिता कामम को उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य एक मौलिक मानव अधिकार है जो मानव जीवन के लिए बेहद जरूरी है, जिसके लिए देश में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें से प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना उन योजनाओं में से एक है। लेकिन क्या आप यह जानती हैं कि देश में 15 ऐसी योजनाएं हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी हैं, जिनसे देशवासी काफी फायदा उठा सकते हैं? मैं आपके समक्ष 5 योजनाओं को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिससे देशवासी काफी फायदा उठा सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय इलाज करा सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इस योजना के तहत 10 से 19 वर्ष तक के बच्चों में पाए जाने वाले विशेष रोगों का पहचान कर उनका इलाज करना है। तीसरा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाएं एवं नवजात शिशुएं जो अपनी परेशानियों से पीड़ित है अपना इलाज करा सकते हैं। चौथा, मिशन इंद्रधनुष, इस योजना के तहत 2 साल तक के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण टीकाकरण कराना है। पांचवा, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, इस योजना के तहत देश में गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोग अपना इलाज करा सकते हैं एवं गांव में रहने वाले लोग जो अपने जानलेवा बीमारियों के कारण मृत्यु की दरें बढ़ती जा रही है अपना इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद स्पीकर महोदया जी। माननीय स्पीकर महोदया जी, क्या मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अपना कुछ प्रश्न पूछ सकता? जी हाँ, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद स्पीकर महोदया जी। माननीय वित्त मंत्री जी, हाल में ही कुछ वर्ष पहले शुक्रवार की आधी रात को प्रधानमंत्री जी ने बटन दबाकर GST को लॉन्च किया। अब तक जनता GST को ठीक से समझ भी नहीं पाई थी कि फिर से 1 जुलाई को आपने GST पर बड़ा बदलाव कर डाला, जिससे बैंकिंग और टेलीकॉम जैसी सेवाएं महंगी हो गई। इसके अलावा फ्लैट, रेडियो
सभी वित्त मंत्री जी तथा प्रधानमंत्री जी से महंगाई से संबंधित प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी हाँ, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। धन्यवाद स्पीकर महोदय जी। पिछले 8 वर्षों में महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। आपकी सरकार ने तो अर्थव्यवस्था को अपनी दूरदर्शी सोच के कारण तबाह किया है। मानव कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर जरूर पड़ गई थी, लेकिन आपकी सरकार की गलत नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था तो पहले ही कंगाल हो चुकी थी और नोटबंदी के बाद तो यह एकदम धाराशाही हो गया। महंगाई आसमान छू रही है, जिससे गरीब जनता का जीवन कठिन हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बाजार, निवेश, खपत तथा रोजगार जैसे 5 मूलभूत आधार होते हैं, लेकिन यहाँ इन 5 स्तरों पर आपकी सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है। रसोई सिलेंडर की कीमत आज 1050 रुपए से भी ज्यादा है। पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। खाद्य तेल एवं आवश्यक वस्तुएं तो दलहन की पहुंच से भी बाहर है। क्या आपकी सरकार इसका जवाब दे सकती है कि महंगाई को किस प्रकार कम किया जाए, या ऐसे ही गरीब और मासूम जनता निरंतर दर्द में फंसती चली जाएगी? हमें जवाब दीजिए मंत्री जी, जवाब दीजिए। कृपया शांति बनाए रखें एवं अपने जगहों में बैठ जाएं। माननीय वित्त मंत्री जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं श्री अनुराग जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने महंगाई से संबंधित प्रश्नों को युवा संसद में रखा। श्री अनुराग जी, जैसा कि आपने कहा, यह यूं कहूं कि आधा से अधिक प्रश्न के उत्तर उन्होंने दे दिए। जैसा कि उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। हमने इस तरह की महामारी पहले कभी नहीं देखी थी। मैं मानता हूँ कि हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों को अतिरिक्त मदद दी जाए। हमारे संसदीय और राज्य सरकार द्वारा इस बारे में अपनी भूमिका निभाई है। वैश्विक एजेंसी के आकलन के अनुसार हमने तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का कारण बना हुआ है। खुदरा महंगाई दर 7% से कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों के कारण ही खाद्य तेलों में गिरावट की गई। आप लोग धीरज रखिए, जिस प्रकार से हमने खाद्य तेलों में गिरावट की, उसी प्रकार हम LPG, पेट्रोल, डीजल में भी कमी करेंगे। भारत का कर्ज और GDP का अनुपात वित्तीय वर्ष 2021-22 में 56.21 था, जो कि अन्य देशों से काफी कम रहा है। भारत का कर्ज, जहाँ तक रोजगार संबंधित प्रश्न आपने किए, उसके लिए हमने स्किल इंडिया स्कीम लॉन्च की थी। उस समय से आज तक 3.44 यूथ को ट्रेनिंग दी गई। उस ट्रेनिंग को हम इम्पोर्टेंट आउटकम बनाते हैं। इस प्रोग्राम को हम इनकम इंक्रीज करके दोनों को हम आउटकम बनाते हैं और यह कार्य हम करते रहेंगे। Hindi and English version under subsection 1619A of the Companies Act 1956. Number 1, review by the government on the working of the State Farm Corporation of India Limited, New Delhi for the year 2021. Number 2, annual papers of the State Farm Corporation of India Limited, New Delhi for the year 2021, along with audited accounts and the comment of the Controller and Auditor General thereon. और जो प्राइवेट एनएडेड स्कूल है उसमें 25% आरक्षण का प्रावधान किया
14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है और इसमें प्रैक्टिकल समस्या यह है कि जब बच्चा क्लास 9वीं क्लास में किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा हो तब स्कूल ने यह कहता है कि आप 10वीं क्लास से या तो आप अपना फीस दें या तो आप अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दीजिए। वो जो माँ बाप है उनके पास प्राइवेट स्कूल की फीस देने की क्षमता नहीं है और जो बच्चे क्लास 9वीं क्लास में किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हो उन्हें उस स्कूल से निकाल कर किसी दूसरे स्कूल में एडजस्टमेंट करने में उन्हें कठिनाई होती है। तो मैं मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि आप इसका संशोधन कीजिए, आप निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को 6 वर्ष से 18 वर्ष तक कीजिए ताकि जो बच्चा अभी क्लास नर्सरी में पढ़ रहा हो वो 12वीं क्लास तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सके। यह मेरा सुझाव है। माननीय शिक्षा मंत्री जी प्लीज। धन्यवाद स्पीकर महोदया जी। अध्यक्ष जी देर से ही सही पर उन्होंने हमारी पार्टी का 2009 का क्रेडिट लिया। दीक्षित जी प्रमाणिक आदमी है, उनको धन्यवाद है। उन्होंने कहा कि 2009 वाला कानून पर्याप्त नहीं था, उन्होंने कहा कि 2009 वाला कानून पर्याप्त नहीं था। मैं भी एज अ पार्लियामेंट सदस्य एज अ पब्लिक पॉलिसी स्टूडेंट उसको स्वीकार करता हूँ। कॉन्करेंट लिस्ट में प्राथमिक शिक्षा कि मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हमने सही समय पर बिल लेके नहीं आया।
सबों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष जी, इस विद्यालय की स्थापना भारत में खेलों के लिए की जा रही है। खेल समाज से जुड़ा सिस्टम है। इससे देश का सम्मान तब बढ़ेगा जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक में पदक प्राप्त करेगा। कोई खिलाड़ी ओलंपिक में कैसे पदक प्राप्त करेगा, इसका चयन कैसे किया जाएगा? मणिपुर की इस यूनिवर्सिटी में इन बातों पर खास तौर से ध्यान रखा जाएगा। हम कोशिश करेंगे हर जिला, गाँव तथा ब्लॉक के चुने गए बच्चे इस यूनिवर्सिटी में आए। गाँव का जितना भी खिलाड़ी होगा, वह खिलाड़ी कुश्ती का खिलाड़ी होगा, जिम्नास्टिक का खिलाड़ी होगा और तैरा का खिलाड़ी होगा। और गाँव के जितने भी विद्यालय है, वहाँ हर एक जगह विश्वविद्यालय केंद्र बनाई जाएगी। अब इस यूनिवर्सिटी में आने वाले सभी खिलाड़ियों को लाभ प्राप्त होने वाली है। जिसकी सूचना आपने 50 सदस्यों के हस्तांतरण के साथ श्री अय्यर जी
माननीय अध्यक्ष महोदया जी, मैं पूरे युवा संसद के माध्यम से पूरे देश की जनता को यह बताना चाहूंगा कि सुधार कुछ समय के लिए खराब हुआ है, लेकिन साथ ही साथ इसका रिफॉर्म पूरा देश उठाएगा। अग्निवीर योजना हमने इसीलिए शुरू किया है क्योंकि हम बेरोजगार को कई हद तक समाप्त कर सके। यह योजना हमने भारत देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाया है। मैं रक्षा मंत्री जी संक्षेप में अपनी राय दें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी,